शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दर्शकों नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों आज हम आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर में किन किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ये तमाम बातों पे टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ दो ऐसे मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आपको करवा देना चाहते हैं कि इस समय में हमारे साथ में ईश्वर चंद्र गोयल साहब जुड़ चुके हैं। गोयल साहब प्रणाम। नमस्कार। इसके बाद मेरे दूसरे मेहमान से मैं परिचय करवा देना चाहता हूँ आपसे कि आप है हमारे मान सिंह ठाकुर साहब। नमस्कार। मैं सबसे पहले मान सिंह ठाकुर साहब के बारे में ये बता देना चाहता हूँ दर्शकों के मान सिंह ठाकुर साहब आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल डिपार्टमेंट, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी विशेष कार्यकारी अधिकारी भी आप हो और भारतीय भाजपा ट्रांसपोर्ट आघाड़ी प्रेसिडेंट नागपुर जिले के आप हो और जे एस रोडवेज के आप मालिक भी हो। तो जिस प्रकार से मैंने आज इनका जो परिचय बता दिया ठीक उसी प्रकार से मेरे जो दूसरे मेहमान है उनके बारे में यही बता देना चाहता हूँ कि ईश्वर चंद्र गोयल साहब जो गोयल साहब आप नेशनल वॉइस ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन न्यू दिल्ली के नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट हो, साथ ही साथ आप इंश्योरेंस कमेटी के एक्स चेयरमैन हो और डिप्टी चेयरमैन इंश्योरेंस कमेटी के भी हो। आप रिप्रेजेंटेटिव मेंबर इन मोटर इंश्योरेंस ट्रैफिक कमेटी और ऑनररी सेक्रेटरी भी आप हो और वर्क एज ए स्पोक्सपर्सन, ये तमाम उपलब्धियां आपकी है। तो ऐसे हमारे दो मेहमान इस समय में जुड़ चुके हैं। मैं फिर से एक बार मेरे दोनों मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और इन बीसीएन के आपका अपना सबका मशहूर प्रोग्राम के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को आखिरकार ऐसा क्या हुआ, कौन सा ऐसा ग्रहण लग गया जिसके चलते आज तक वे इससे बाहर नहीं निकले हैं, क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या फिर खुद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के कारोबारी, ये विषय को लेकर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे सबसे पहले मैं हमारे जो मेहमान है ईश्वर चंद्र गोयल साहब उनसे मैं पूछना चाहूंगा। गोयल साहब ये बताएं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो बढ़ता जो करप्शन है उसका क्या कारण है और उसका कोई उपाय है क्या? संजय जी सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे ट्रांसपोर्ट उद्योग की समस्याओं को हमारे उस स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे हम कुछ इसकी अपेक्षा कर रहे हैं कि इसका कुछ समाधान निकले। हमारे सर गोयल साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप बात करते समय में हिलिएगा मत, आपकी फ्रेम जो है फ्रेम से बाहर निकल रही है आपका। आप जी अब आपकी तस्वीर सटीक बैठिए, एक जगह और रहिए, बात कीजिए, रिक्वेस्ट प्लीज बी कंटिन्यू। क्या कहना चाहते थे गोयल साहब? हमारे ट्रांसपोर्ट उद्योग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है उसका मूल कारण हमारी सरकारी नीतियां हैं। जी सरकार के द्वारा बार बार हमें इस प्रकार नियमों से गुजरना पड़ता है कि हमारे ड्राइवरों को मजबूर होकर कि वो हम नियम पालन नहीं कर पाते, जिसके कारण सिस्टम को ओवरटेक करने के लिए हमारे आदमियों को भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने इतने ज्यादा जुर्माने हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर लगाने का प्रावधान किया जिसका हमने अनेक बार विरोध किया, लेकिन सरकार ने हमारी कुछ नहीं सुनी और जो भी जुर्माने के नियम थे वो इतने बढ़ा दिए जिसके कारण हमारे व्यवसाय में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया, क्योंकि जुर्माना भर पाना हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ताकत की बात नहीं है। यदि किसी के पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ना हो और उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना हो तो वो किसी भी मोटर मालिक की ताकत के बाहर है कि वो इतना जुर्माना दे, इसके लिए वो भ्रष्टाचार का सहारा लेता है। इसी प्रकार सरकार के द्वारा ऐसे अनेक नियम बनाए जा रहे हैं जिनका पालन करना हमारी इंडस्ट्री के लिए संभव नहीं होता और भ्रष्टाचार का मूल कारण ये वो नियम है जिसके कारण हमको भ्रष्टाचार देकर उन नियमों को ओवरटेक करना पड़ता है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि सरकार ऐसे नियम जो पालन करना हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मुमकिन ना हो ऐसे नियम हमारे पर लागू करने का जो प्रयास किया जाता है तो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री
उसको भ्रष्टाचार के द्वारा ओवरटेक करके, और वो नियम चलते रहते हैं और हमारी इंडस्ट्री में भ्रष्टाचार फैलता रहता है। हमारी यहाँ तक गिनती है कि हम जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 6% हमारा हिस्सा ये भ्रष्टाचार की रकम में चला जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिस पर हम काबू नहीं कर पा रहे। और हमारी सरकार से ऐसी अपेक्षा है कि हर जगह पर हमारे ड्राइवर को परेशान किया जाता है छोटी छोटी बातों के लिए, वो परेशानी किसी भी प्रकार से यदि कम हो तो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से भ्रष्टाचार कम हो सकता है। बिल्कुल, इंडस्ट्री से ट्रांसपोर्ट कैसा, जो भ्रष्टाचार कैसे कम हो सकता है, ये आपका मानना है। मानसिक ठाकुर साहब, क्या आप जिस प्रकार से ईश्वर चंद्र गोयल साहब ने ये जो सटीक बात कही है, आप उनके बातों से कितना सहमत हो, ये मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी था ठाकुर साहब, आप ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो बढ़ता जो करप्शन है उसका मुख्य कारण क्या है, और उसकी कोई उपाय योजना किस प्रकार से हो सकती है, क्या आपको लगता है ठाकुर साहब? मेरे जी, ये जो भी भ्रष्टाचार का कारण जो है एक्चुअल में क्या है, ये पहले ये इसमें जैसे जितना प्रशासन दोषी है, मैं दोनों तरफ कहूंगा, उतनी ही हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी पहले वाले, खैर अभी की बात नहीं करूंगा, ये आप अगर 5 साल पहले गडकरी जी के पहले चले जाइए तो पहले के पीरियड में इतना ज्यादा हमारी लाइन में वो था, मतलब लोग डीजल की बजाय मिट्टी का तेल, ओवरलोडिंग, मतलब कुछ चीजें ऐसी थी कि बहुत चीजें गलत थी। मैं उन चीजों को तभी भी कहता था कि ये चीजें, और वो चीजें अब फिलहाल निकल गई हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ये प्रशासन या पुलिस या आरटीओ को अभी भी यही लगता है कि गाड़ी वाला वो गलत काम कर ही रहा है, जबकि अब गाड़ी वाला बिल्कुल ना वो ओवरलोड डाल रहा है ना वो मिट्टी का तेल डाल रहा है, अब सारे पेपर कर, लेकिन उनके दिमाग में तो वही बैठा हुआ है। पहले कुछ गाड़ी वालों ने या ये लोग 20-20 हजार के, आप मानेंगे नहीं सर, नागपुर में एक गाड़ी पे एक, यहाँ से अगर बॉम्बे जाना है बॉम्बे का जितना भाड़ा नहीं है, महीने के 20-20 हजार के कार्ड चलते थे जी, कोई बाहर वाला नहीं चलाता था। ट्रांसपोर्ट के ही हमारे कुछ, सब उनको मैं क्या कहूँ, एजेंट कहूँ दलाल कहूँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही लोग चलाते थे। उसमें उन आरटीओ को या उनको उतनी आदत पड़ गई, उन्होंने जैसे हर एक का टारगेट होता है ना, वैसे इन्होंने टारगेट बना लिया कि भाई हमको महीने में ट्रांसपोर्ट इससे इतना पैसा आता है। अब आज के समय में वो चीजें बंद हो गई है, अब कोई ना ओवरलोड भर रहा है ना मिट्टी का तेल, सबके पेपर ऑनलाइन होने की वजह से पेपर सबके पता सबके ओके हैं, तो वो चीजें कमाई बंद हो जाने से अब उनको लगता है कि भाई हमारी कमाई तो बंद हो गई, तो वो फिर वो दूसरे चीजें पकड़ते हैं कि आपका अननेसेसरी गाड़ी का कर देंगे, बोलेंगे आपकी गाड़ी का हाइट है या वो है, मतलब इतने। अब एक पिछली बार मुझे एक आरटीओ ने गाड़ी रोकी, ड्राइवर ने मुझसे बात कराया, वो उस पर यूनिफॉर्म का केस कर रहा था। अब बताइए, नियम तो ऐसे ऐसे बने हुए हैं ना मेरे जी, अगर आप सारे नियम हिंदुस्तान के हैं, मतलब आरटीओ के, इसके पालन करेंगे ना, आप रोड पे चल नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट को छोड़ दीजिए, आप खुद अपनी बाइक लेके या अपनी कार लेके नहीं चल सकते, इतने सारे नियम बने हुए हैं। मतलब आपका ये मानना है कि नियमों को लेके कुछ ज्यादती हो रही है आपके साथ? हाँ, इतने ज्यादा नियम, मतलब जैसे ये कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि हमने कानून, हम कुछ कानून कम कर रहे हैं, ऐसे मैं भी कहता हूँ ट्रांसपोर्ट में जो इतने सारे नियम नहीं होने चाहिए। ठीक, आप जैसे साधारण, ठीक है गाड़ी की बात कर लीजिए, अभी इस पे बाइक वाले पे 1000 रुपए हेलमेट का फाइन है, बताइए क्यों है? उससे अच्छा आप अगर गाड़ी आपकी किसी की, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाइक वाले को पकड़ा, आप उसको खड़ा कर दीजिए और उसको बोलिए भैया तू जा एक हेलमेट खरीद के ला, तब तेरी गाड़ी छोड़ूंगा, उस पर कोई केस मत करिए, खड़ा कर दीजिए, वो जाएगा खरीद के लाएगा या घर से लाएगा, भाई एक बार लाएगा अगली बार से खुद दे, लेकिन आप उससे 1000 रुपए ले रहे हो, बताइए उसकी क्या इनकम, कितना उसकी इनकम? आप उसे 1000 रुपए अगर उसने महीने में 2 बार दे दिया फाइन, तो मतलब क्या रह गया? फिर वो ब्राइब देने की कोशिश करता है, यही हाल ट्रांसपोर्ट वालों का है। आप उसको, मेरा एक ही कहना, जैसे अग्रवाल जी ने कहा कि इंश्योरेंस यह नहीं है, उस पर इतना फाइन मत लीजिए, आप गाड़ी अगर आपकी किसी भी कानून के तहत आपको लगता है ये पेपर नहीं है, आप उसकी गाड़ी वहीं पे खड़ा कर दिए, उसको बोलिए तुम पूरे पेपर भर के लाओ, आप 1 रुपया फाइन नहीं लगेगा, लेकिन आप पेपर कंप्लीट करो, बस उसमें फाइन लेके आप छोड़ दो, फाइन लेने का क्या मतलब है? लेकिन आए दिन सरकार का जो रवैया दिख रहा है वो मैं, यानी जो ट्रांसपोर्ट के जो कारोबारी है, जो अब तक के सैकड़ों कारोबारियों से हमारी बातचीत हो चुकी है, उन सब ने यही कहा है कि सरकार का जो रवैया है वो सौतेलापन का रवैया है, और सरकार को मात्र सिर्फ रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू के अलावा उन्हें ड्राइवर हो ट्रक मालिक हो इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो बात बार बार कारोबारियों की तरफ से जो कही जा रही है
उन बातों को लेकर आप कितनी सहमति दर्शाते हो, क्या कहना चाहोगे, आप इसके लिए तैयार हो पूरी तरह से? इसमें बहुत सारे नियम कानून ऐसे है ना, बोल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं पहले थोड़ा सा मानसिंह ठाकुर साहब से बात करता हूँ, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ गोयल जी। जैसे अभी फिलहाल मैं आपको महाराष्ट्र की बात करता हूँ। महाराष्ट्र में पहले एक मिनिमम फाइन जो था ये 100 रुपए था, फिर अपनी गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने उसको 200 किया मिनिमम फाइन। मतलब आप कोई भी कितना भी छोटा क्राइम नहीं बोल सकते आप, मैं उसको गलती मानूंगा, छोटी से छोटी गलती पे 200 रुपए फाइन था, तब तक तो चल जाता था। लेकिन अभी जो नए कानून के हिसाब से फिलहाल अभी तक महाराष्ट्र में वो लागू नहीं हुआ है क्योंकि अब सरकार चेंज होने की वजह से, अब मिनिमम जो फाइन है आपका मिनिमम फाइन 2000 है। अब बताइए अगर किसी की छोटी सी भी गलती, अब गलती क्या है, अब कौन सा ड्राइवर आप बताइए, अब कोई ड्राइवर यूनिफॉर्म पहन सकता है? अरे यूनिफॉर्म तो आज के समय में यूनिफॉर्म पॉसिबल है देना, और देंगे भी तो ड्राइवर पहनेगा, वो पहनता ही नहीं है। तो अब यूनिफॉर्म उसको चाहिए मेडिकल बॉक्स रखे, ये इतने सारे चीजें हैं, मतलब जी कई चीजों के बारे में तो किसी को पता नहीं है। जी जी हाँ, किसी को मतलब उनको भी नहीं पता है कि कितने सारे कानून है, तो इतने छोटे छोटे चीजों पर इतना जम के फाइन है। अब बताइए पीयूसी का बनाने का खर्चा अभी तो ऑनलाइन हो गया, सिर्फ 150 रुपए आता है, और उसपे फाइन कितना है? अभी फिलहाल तो अपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे 2000 है, लेकिन अदर स्टेट में उसपे 10,000 फाइन है। अब बताइए अब 10,000 फाइन क्यों मार रहे हो भाई? पीयूसी नहीं है ना गाड़ी का, उसको बोलते भाई गाड़ी खड़ी कर और जाके पीयूसी बनवा के लेके आ। पीयूसी कहीं भी बनता है, वो पीयूसी भाई तू बनवा के ही लेके आ, और जितना उसका है 150 है, 150 का 150 फाइन ले लो, 200 ले लो वो, लेकिन 10,000 ये कोई इसका रीजन क्या है? मतलब क्या आपकी बाइक, सर मैं तो ट्रांसपोर्ट की बोल रहा हूँ, बाइक की कीमत कितनी होगी? बेचारे की 5,000 की या 10,000 की उसकी बाइक है, और उसपे अगर आपने उसपे 5,000 फाइन मार दिया तो वो भरेगा क्या? वो तो वही छोड़ के चला जाएगा। तो इसी प्रकार के हाल कुछ ट्रांसपोर्ट जो कारोबारी है उनके हो रहे या जिससे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के हो रहे? सभी के हो रहे। अभी अभी जैसे अभी इस समय लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन में आपको भी पता होगा आप इस लाइन में है, इस समय कुछ नहीं, आपकी गाड़ी का अगर कहीं भी मतलब कोई भी कानून हुआ तो एक ही धारा लग रही है 188। अब 188 धारा में क्या है, फाइन कुछ भी नहीं है, ओनली 500 फाइन है, लेकिन लेकिन पुलिस वाले कर क्या रहे हैं, गाड़ी आपकी जब्त करके थाने में खड़ी हो जा रही है, और जब तक आपका ये नहीं खुलेगा, मतलब क्या बोलते हैं, कोर्ट नहीं खुलेगा, आपकी गाड़ी छूटेगी नहीं। मुझे रोज कंप्लेन आते हैं कि भाई मेरी गाड़ी पकड़ ली है, मेरी ये पकड़ ली है, बात करता हूँ छोड़ते ही नहीं है, और 3 महीने आप बताइए एक साधारण आदमी की गाड़ी आप पकड़ के और उसको बंद कर दिया, उसकी गाड़ी 3 महीने बाद छोड़ेगी, वो क्या कैसे कमाएगा? आप बोल रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, वो क्या पैदल जाए? ऑटो बंद है, बस बंद है, सब बंद है, अगर उसकी बाइक आपने जमा कर ली और 3 महीने तक आप छोड़ोगे नहीं तो कैसे जाएगा काम धंधे पे? बिल्कुल, वो कैसे जाएंगे? इस प्रकार की बात आपने कही और काफी अच्छा आपने ये सवाल भी किया है कि आखिरकार ये ऐसा कब संभव हो पाएगा कि लोग सुचारू ढंग से सड़कों पे कब चलेंगे अपने वाहनों को लेकर। ये आपने जो बात कही है मैं इसी बात को आगे जोड़ती हूँ। अब मैं सीधा एक बार रुक करना चाहूंगा ईश्वर चंद्र गोयल साहब जो हमारे मेहमान हमारे से जुड़ चुके। गोयल साहब आप जिस प्रकार से मानसिंह ठाकुर साहब ने जो बात कही है क्या उनकी बातों से आप सहमत है क्या? ये मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये था क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार को जो रवैया है वो सौतेला रवैया आप इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के साथ में किया जा रहा है और साथ ही साथ रेवेन्यू पाना क्या सिर्फ एकमात्र यही कारण है? क्या कहना चाहोगे गोयल साहब? संजय जी मैं ठाकुर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकारें ज्यादा जुर्माना बढ़ाकर भ्रष्टाचार देश के अंदर बढ़ा रहे हैं, गलत है। यदि हम देश के अंदर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं तो पहले हमको ये देखना चाहिए कि हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फैसिलिटी क्या दे रहे हैं। जी छोटी सी बात है, आप शहर के अंदर जाइए कहीं भी बात होगी वो बोलेंगे नो पार्किंग। लेकिन आप ये तो बताइए कि किसी भी शहर में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के वाहनों को खड़े करने की जगह कहाँ पे है? जी किसी भी बड़े शहर में कहीं पर भी पार्किंग की फैसिलिटी ट्रकों के लिए नहीं है, लेकिन नो पार्किंग में गाड़ी वालों के सुबह शाम दिन रात चालान किए जाते हैं। गाड़ी वाला मजबूर होकर सड़क पर गाड़ी खड़ी करता है तो रात को उसका डीजल चोरी हो जाता है। ऐसी अनेक समस्याओं से हमारा ट्रांसपोर्ट उद्योग जूझ रहा है,
इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भी हमारा ट्रांसपोर्ट उद्योग किसी भी प्रकार से देश की सेवा करने में पीछे नहीं हटता। फिर भी हमारी सरकारें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से केवल और केवल रेवेन्यू उघराने में लगे हुए हैं। यदि केंद्र सरकार किसी प्रकार से 10 रुपए की कोई लेवी लगाती है तो 2.5 रुपया राज्य सरकार को आराम से मिल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर 25% का वैट भी है। सही। यदि रोज भाव बढ़ रहे हैं तो उसमें यदि 8% 8 रुपया लीटर भाव बढ़ा तो 2 रुपया जो है राज्य सरकार को भी मिल गया। कि राज्य सरकारों ने अपना बजट में डीजल से कितने वैट की आवक इनकम होने वाली है ये तय किया होगा, लेकिन जो मुफ्त में किसी प्रकार से भाव बढ़ने के कारण जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो रहा है उसका लाभ किसी भी प्रकार से ट्रांसपोर्ट उद्योग को देने की मंशा ना केंद्र सरकार रखती है ना राज्य सरकार रखती है, जिसके कारण हमारे उद्योग में बड़ी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि हम देश की सेवा करने के लिए हमारा ड्राइवर दिन रात सड़क पर रहता है, फिर भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, हमारी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देती, हमारा सर्वाइवल किस प्रकार है इसकी ओर वो ध्यान नहीं देती और अपेक्षा रखती है कि सभी प्रकार की आवश्यक सेवाएं हमारे ट्रांसपोर्ट के बंधुओं के द्वारा पूरी की जाएं, जो हम अपने देश के प्रति जवाबदारी समझकर पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में जो हमारी सरकार से अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारी गाड़ियां लॉकडाउन के अंदर 3-3 महीने तक खड़ी रही, हमने सरकार से अनुरोध किया कि जो हमारे ऊपर टैक्स लगा है कृपया उसको छोड़ दिया जाए, जो हमने 3-3 महीने तक इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जो एक गाड़ी का लगभग 6,000 रुपए महीना होता है उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन इंश्योरेंस की जो अथॉरिटी है IRDA किसी भी प्रकार से हमारी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं, जबकि कुछ राज्यों ने टैक्स में राहत हमें अवश्य दी है। सरकारों के धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी इस समस्या को समझा, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो हमारी इस समस्या का बिल्कुल नहीं सोच रही कि हमारी गाड़ियां 3-3 महीने तक खड़ी रही और एक गाड़ी का एवरेज प्रीमियम 6,000 रुपए महीना होता है जो हमने बेकार में भरा है। तो हमारी केंद्र सरकार से, हमारे वित्त मंत्रालय से गुजारिश है आपके माध्यम से कि हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को, ट्रकर भाइयों को ये राहत अवश्य मिलनी चाहिए ताकि हमारे व्यवसाय का सर्वाइवल हो सके और हम इसी प्रकार से जिस प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं उसी प्रकार से पूरी निष्ठा के साथ सेवा दे सके। बिल्कुल, काफी अच्छा आपने जानकारी दिया है। मैं और अब मैं बढ़ना चाहूंगा मानसिंह ठाकुर साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। ठाकुर साहब मुझे एक सवाल आपसे यह करना है कि RTO द्वारा पहले तो 30 जून यह तारीख RTO पेपर के वैधता को लेकर दी गई थी बराबर, लेकिन RTO ने फिर से अब की बार 30 जून के जगह 30 सितंबर किया है, लेकिन ठाकुर साहब ये बताइए क्या RTO द्वारा अभी भी फाइन लेना शुरू है क्या? अगर RTO द्वारा दिए गए तारीख के अनुसार कामकाज नहीं कर रहे हैं, तारीख तो एक तो बढ़ा के दी है, उसके बाद में जिस तरह से वो फाइन लेने का काम यदि उनका शुरू हो रहा हो या होगा या नहीं होगा, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अगर नहीं है तो ठीक है, अगर होगा तो आपकी इसके ऊपर में क्या प्रतिक्रिया है? मैं गोयल साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगा मानसिंह ठाकुर साहब के पास। ठाकुर साहब बताइए। मेरे जी इसमें कोई जैसे उन्होंने कहा कि पेपर की छूट जब RTO ने दी है, पहले उन्होंने 30 जून दी थी, अब 30 सितंबर तक किया है, तो जब आपने खुद दिया है तो उसपे आप फाइन क्यों ले रहे हो? लोग अभी इस समय 90% जिसे बताया सभी यही मान के चल रहे हैं कि भाई उनके पेपर वैलिडिटी है, वो जब भी भरेंगे तो उतना ही पैसा। लेकिन पहली बात तो गाड़ियां खड़ी है तो आपको या तो उसको माफ करना चाहिए था, तो आपने माफ तो किया नहीं, आपने सिर्फ डेट आगे बढ़ाई है, डेट आगे बढ़ाई तो उस पर फाइन भी लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक गाड़ी का अगर उसका 3 महीने का क्वार्टरली टैक्स जो होता है 7,000 आता है, इस पे आप बिलीव नहीं करेंगे, गवर्नमेंट जो कहीं नहीं 24% 24% ब्याज लेती है अगर लेट हो, पेनल्टी 20 दिन से ज्यादा है। जैसे आज उसकी अगर 30 जून तक भरना है, आपने 30 जून तक नहीं भरा तो उस पे 24% ब्याज लिया जाता है। मतलब ये आप बोलेंगे ना महाराष्ट्र पे जो साहूकारी ब्याज है वो भी इतना इतना तगड़ा नहीं है, 24% इंटरेस्ट जोड़ के ले रहे हैं।
अगर ये अगर हमने 6 महीने हम नहीं भर रहे हैं तो 6 महीने 24% मतलब आप मान के चलिए कि कितना कितना ज्यादा होता है। 24% मतलब इंटरेस्ट कहीं भी नहीं है उस पे उतना जोड़ के और वो अभी भी ले रहे हैं। मैंने तो बीच में ठाकुर साहब जिस प्रकार से ये 24% जो ले रहे हैं आपको नहीं लगता कि एक प्रकार का ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? इस एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रोका जाए? इसके लिए मैंने बीच में जैसे आरटीओ अभी तो आरटीओ बैठे अभी यहाँ पे अपने जो आरटीओ उनसे देशमुख एक ही बैठ रहे हैं नागपुर में ग्रामीण में उनसे बात किया था कि भाई जब आपने ये लिया तो ये क्यों ले रहे हो इंटरेस्ट? बोले ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जब भी आएगा तो ऊपर से आएगा सभी स्टेट। ठीक है आप बाकी की बात नहीं करो तो महाराष्ट्र में तो हमको दो, जब आप महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र में तो आपके हाथ में है। बोले नहीं ये ऊपर से ही ऑर्डर है कि सिर्फ आपको डेट एक्सटेंशन मिली है, आप जब भी भरेंगे आपको विद पेनाल्टी भरना है। तो फिर विद पेनाल्टी तो अच्छा, ये मैक्सिमम गाड़ी वालों को ये चीजें नहीं पता है क्योंकि कोई अभी भर नहीं रहा है। मैंने खुद इसके लिए इसको कंफर्म करने के लिए मैंने टैक्स भरा ऑनलाइन और उसपे मुझे जब सिर्फ 3 महीने की 972 रुपए, बताइए 7,000 पे 972 रुपए अगर 3 महीने की पेनल्टी आ रही है तो जिन इतनी गाड़ियां आज लाखों गाड़ियां हैं लाखों गाड़ियों पे 6 महीने पे कितनी पेनल्टी आएगी आप सोच सकते हैं। बस क्या कहना चाहोगे गोयल साहब, जिस प्रकार से इन्होंने जो मानसिंह ठाकुर साहब ने जो अपनी बात रखी है कि आरटीओ द्वारा जिस प्रकार से जो प्रताड़ना की जो प्रताड़ित किया जा रहा है उससे कई ऐसे गाड़ी के मालक और ड्राइवरों प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आरटीओ पेपर की जो वैधता के लिए जो 30 जून एक साथ जो तारीख जो मुकर्रर की गई थी अब उसको पोस्टपोन किया गया है और उसकी जगह 30 सितंबर किया है, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, तो जो 30 सितंबर की ये जो तारीख दी गई है लेकिन उसके बीच में भी फाइन लेना क्या इनका ये शुरू है नहीं है, क्या कहना चाहोगे? देखिए किसी भी प्रकार का फाइन लेना जी हमारे ट्रांसपोर्ट उद्योग के साथ धोखा है। जब आप केंद्र सरकार ने हमारे डॉक्यूमेंट्स की मियाद बढ़ा दी कि वहां तक आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और आपके डॉक्यूमेंट वैध माने जाएंगे और यदि हमारा ट्रांसपोर्टर वो डॉक्यूमेंट वैध कराने के लिए आरटीओ में जाता है और उसके साथ पेनल्टी या इंटरेस्ट कह के कुछ भी चार्ज किया जाता है वो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ धोखा है और इसके लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए कि इस पीरियड लॉकडाउन के पीरियड के अंदर या 3 महीने जो भी पीरियड बढ़ाया गया है उस पीरियड के अंदर किसी भी प्रकार की पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों को किया जाना चाहिए। बिल्कुल सभी ने करना चाहिए ऐसा आपका कहना है। मेरा एक सवाल ये भी था, चलो आपसे शुरुआत करता हूँ गोयल साहब। गोयल साहब ये पता कि यदि इंस्टॉलमेंट में देरी हो जाए जो ईएमआई जो होते हैं तो वो जो ईएमआई होते हैं एक कुछ निर्धारित होते हैं और इंस्टॉलमेंट में यदि देरी हो जाए तो जो चक्रवर्ती ब्याज यानी ब्याज पे ब्याज जो लग के आता है वो आना कितना काम पे प्रभावित करता है या वो कितना जरूरी है या नहीं जरूरी है? अगर वो ब्याज के ऊपर में ब्याज यदि लिया जाए तो सही मायने में ईएम वाले जो भरने वाले लोग हैं उनकी हालात क्या होगी, क्या कहना चाहोगे आप बोल साहब? देखिए हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो सामान्य ब्याज लगा हुआ है वो पहले मूल रकम में जोड़ लिया जाता है और फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है। बराबर। यदि कोई भी फाइनेंसर 3 महीने का हमको डेफरमेंट दे रहा है जी। तो वो हमको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं छोड़ रहा और यदि किसी गाड़ी वाले का 3 साल का एग्रीमेंट है और वो 3 महीने डेफरमेंट होता है तो उसको 3 की बजाय 5 इंस्टॉलमेंट या 6 इंस्टॉलमेंट ज्यादा भरनी पड़ रही है। ये ट्रांसपोर्ट वाले का एक तरह से कमर तोड़ने जैसी स्थिति बन रही है। ऐसा करने से हमारे ट्रांसपोर्ट के जो सिंगल ऑपरेटर हैं या जिन्होंने फाइनेंस कंपनियों से लिया हुआ है पैसा वो हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की कमर तोड़ रहे हैं और उससे हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी और हालत ये होगी कि जितना पीरियड इन्होंने छोड़ा हुआ है उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की इतनी ज्यादा गाड़ियां फाइनेंसरों के यहाँ पहुंच जाएंगी कि हमारी इंडस्ट्री भी वो सहन नहीं कर पाएगी और हमारे जो छोटे ट्रक मालिक हैं उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब होगी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि फाइनेंसर को गाड़ी सौंप दे।
तो ऐसे में करे तो करे क्या, ये सवाल अभी बना हुआ है। हाँ ठाकुर साहब, आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये जो जो समस्या है काफी जटिल समस्या है, और अक्सर ये देखा जाता है कि यदि इंस्टॉलमेंट जो होती है और उनको देने में यदि लेट लतीफी होती है, तो जिस प्रकार से जो ब्याज पे ब्याज जो बढ़ के आता है या लिया जाता है, वो कितना सही है, क्या कहना चाहोगे ठाकुर साहब? मेरे जी, इस पे जो मेरोटेरियम पीरियड दिया गया, एक्चुअल में ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट वालों पर नहीं, ये तो पूरे ऑल ओवर सभी सामान्य जन पे लागू है। और इन्होंने क्या किया, ये आरबीआई ने जो बैंकों के ऊपर छोड़ दिया ये, और बैंक वाले सभी अपनी मनमानी पे, वो किसी को आपको भी, जैसे आपका भी नॉर्मली आप किसी का हाउसिंग लोन भी होगा, ट्रक का तो चलिए ये तो कॉमन है कि ये तो कमर्शियल है, लेकिन किसी ने अगर घर का या कार का या स्कूटर का कुछ भी दिया होगा, तो उसपे ये बता ही नहीं रहे कि आपसे एक्चुअल में लेंगे कितना, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये आपको कब बताया जाएगा, ये बताया जाएगा आपको 30 मार्च 2021, मतलब 30 मार्च 2021 में आपको बताएंगे कि हम उस पर कितना लेंगे। अभी ठीक है, तो ब्याज पे ब्याज इस पे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि भाई जब आप उस पर इंटरेस्ट पहले ही ले रहे हैं, और ये अगर आरबीआई सरकार जब इस चीज को छूट दे रही है, तो ब्याज पे ब्याज ये कहाँ तक है, अगर ब्याज पे ब्याज लेना ये कहाँ तक जायज है, इसके लिए ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाले तो है ही, लेकिन ये सभी के लिए लागू है ये एक्चुअल में सिर्फ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आज 90% कोई भी हो, लोगों की आप ये मान के चल रहे हैं आज के समय में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पगार कम हो रही है, स्लो डाउन है इंडस्ट्री में, इतना तगड़ा स्लो डाउन है कि आप पूछिए मत 20-30% पे इंडस्ट्री काम कर रही है, तो इतनी तेजी से, तो उसमें आम आदमी ट्रांसपोर्टर तो चलिए वो तो नहीं भर पा रहा, वो तो बहुत वो तो है ही, लेकिन आम आदमी भी नहीं भर पा रहा है, और उसपे आप चुपचाप ये बैंक वाले उसपे ब्याज लगा के किए जा रहे हैं, और कुछ भी बता नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं कि हम मार्च आपको 2021 के बाद बताएंगे ब्याज पे ब्याज लेंगे, मतलब अगर आपने जैसे ये मोरेटोरियम पीरियड में आपने लिया है और 5 लिया, तो आप ये मान के चलिए कि 5 इंस्टॉलमेंट का आपको कम से कम 8 या 9 इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा जी। तो ये सभी पे लागू है, और इसका हाँ ये सभी पे लागू है, ये ट्रांसपोर्टर तो खैर फ्रंट में है, बाकी ये आम आदमी पे लागू, क्योंकि इस समय मुझे नहीं लगता मेरे जी शायद ही कोई ऐसा खुश नसीब होगा कि जिसके ऊपर इंस्टॉलमेंट ना हो। बिल्कुल 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 सही बात आपने फरमाया मानसिंह ठाकुर साहब। मेरा एक सवाल ये भी था कि राष्ट्रीय हित में जॉइंट एक्शन कमेटी जो कामकाज कर रही है, और ये जो पूरे प्रोग्राम की जो सीरीज जो चल रही है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी के जानिब से उनके सहयोग से चल रही है, उनका ये कहना था कि जो ट्रांसपोर्ट के जो कारोबारी है या इंडस्ट्रीज है, इनके ऊपर में काफी इनके इनके साथ काफी गलत काम हो रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इन्हीं बातों को लेके अपने एक एक एपिसोड चला रहे हैं। मेरा कहने का मेरा सवाल ये था आपसे कि राष्ट्रीय हित में जॉइंट एक्शन कमेटी क्या कामकाज कर रही है, और उनके कामों से क्या आप संतुष्ट हो नहीं हो, क्या कहना चाहोगे, आपकी व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो क्या है कि पहले जो हम लोग की जो मैंने इसके पहले गोयल साहब से वही बात हो रही थी, इसके पहले इतनी स्ट्राइक या कुछ भी करते हैं दिल्ली वाले करते हैं, और हम स्ट्राइक में हमको सबसे पहले नागपुर वालों को शामिल कर लेंगे, क्योंकि आपको मेरे जी बताओ, हम नागपुर जो बैठे हैं ना सेंटर में, अगर हम चाहे तो पूरे जो कहा जाता है ना पूरे हिंदुस्तान का दाना पानी एक दिन में बंद कर दे, क्योंकि नागपुर पूरे हिंदुस्तान के जो टोटल मेन 6 हाईवे हैं वो नागपुर होके जाते हैं। अगर आपने नागपुर को ब्लॉक कर दिया तो आपने ये मान के चलिए कि आपने पूरे हिंदुस्तान को ब्लॉक कर दिया, और अभी तो पूरी लॉजिस्टिक पूरे हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कंपनियां या गोडाउन या जो भी है सब यहीं पे आ रहे हैं, तो उस समय ये हमारी मदद लेते हैं कि भाई नहीं नागपुर वाले आप इसमें हड़ताल में सबसे आगे रहोगे, और हम कर भी देते हैं, और बाद में क्या होता है, लेकिन जब सेटलमेंट करना होता है तो दिल्ली वाले चुपचाप जाएंगे और वहां जाके बढ़िया बैठ के एसी रूम में और वहां कर लेंगे, तब वो एक बार भी बताने नहीं आते कि भाई जो नीचे वालों ने हड़ताल की है या उन्होंने जो नुकसान सहा है उनको भी कॉन्फिडेंस में कुछ क्या चीज पे बात हुई, बस यही है हमको ये चीजें हमारा क्या बोला जाता है आश्वासन मिल गया, कमेटी बैठ गई है, आपको पता है हिंदुस्तान में कमेटी बैठना मतलब मान के चलिए कि उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी कर रही है सही कर रही है, इनका पहले ही इन्होंने कह दिया कि हम हड़ताल नहीं करेंगे हम लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल यही चाहिए कि आप किसी चीज के लिए रेगुलर आवाज उठाते रहिए और करते रहे तो ही आपकी सुनी जाएगी, आप
आप साल में नहीं तो बीच में ट्रेडिशन बन गया था, मैं वो किसी वो यूनियन को नहीं कहूंगा, उस यूनियन का ट्रेडिशन बन गया था, जब भी कोई उसका नया अध्यक्ष बनता था तो सबसे पहले वो स्ट्राइक की कॉल करता था। बिल्कुल बिल्कुल, और जॉइंट एक्शन कमेटी के नागपुर के एक जो दो जावा योद्धा है जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, प्रहलाद जी अग्रवाल और नरेंद्र कुमार मिश्रा जी, ये काफी अच्छा जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कामकाज कर रहे हैं। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा, गोयल साहब आपकी इसके ऊपर में क्या प्रतिक्रिया है जॉइंट एक्शन कमेटी को लेकर, जिस प्रकार से नागपुर में जो एक मजबूत काम किया जा रहा है, जो कॉन्क्रीट काम किया जा रहा है, उसके ऊपर में आप क्या कहना चाहोगे? संजय जी, जी प्रहलाद जी अग्रवाल मेरे बहुत पुराने सहयोगी हैं, जिनके नेतृत्व में ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो ये काम कर रही है, ये बहुत सराहनीय काम है और हमारी इंडस्ट्री को सच्चाई की ओर ले जाने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए जो काम करने में ये लगे हुए हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारे ड्राइवर भाइयों को हमारे व्यवसाय के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, वो अभी तक हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। हम सरकार से तो अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ड्राइवर के लिए ये कीजिए, ये फैसिलिटी दीजिए, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्टर भाई खुद ये बात समझने को तैयार नहीं कि ड्राइवर भाई हमारे परिवार का सदस्य है, उसके लिए हम ये फैसिलिटी करें, ये फैसिलिटी बढ़ाएं। आज यदि किसी ड्राइवर भाई का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी मोटर मालिक की इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको 2-4 लाख रुपए उसके परिवार को सहायता के रूप में दे सके। तो हमारा अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से भी अनुरोध है कि आपके यहाँ जो भी ड्राइवर नौकरी करता हो उसका 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेके रखे, ताकि ड्राइवर को उसकी गैर हाजिरी में उसके परिवार को हम सहायता कर सके। और इसके साथ साथ हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि जो पॉलिसी इंश्योरेंस की हमारे ट्रक की इशू की जाती है, उसके साथ जिस प्रकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, उसी प्रकार ड्राइवर का इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उसमें कवर होना चाहिए। एक्सीडेंट के समय जो भी ड्राइवर या कंडक्टर ड्यूटी पे हो और उसके साथ यदि कोई अकस्मात हो जाए तो उसके परिवार को कम से कम 5 लाख रुपए का लाभ अवश्य मिलना चाहिए, मेरा ऐसा अपना मानना है। और जो मैंने आपको बताया टैरिफ इंश्योरेंस कमेटी में मैं 2002 में मेंबर था, तब हमने ये प्रयास किया था, तो तब उन्होंने 2 लाख रुपए तक के लिए सहमत हुए, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे है। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की पॉलिसी कंपलसरी है, ये 5 लाख रुपए का कवर उसके अंदर होना चाहिए, ताकि मालिक किसी तरह गलती कर भी दे और उसने ना लिया हो तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर वो प्रीमियम सम्मिलित होना चाहिए, ताकि जो भी एक्सीडेंट हो उसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल का स्टाफ हो, उसको ड्राइवर को कम से कम 5 लाख रुपए और कंडक्टर को कम से कम 3 लाख रुपए उसके परिवार को सहायता के रूप में ऑटोमेटिक मिलने चाहिए, जिससे हमारे ड्राइवर का परिवार सुरक्षित रहे और वो निश्चिंत होकर हमारे ट्रांसपोर्ट में लगा रहे। अभी हमारे ड्राइवरों की सुरक्षा का मुद्दा बार बार उठता है और वो बार बार नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, वो हमारे साथ कम जुड़े रहते हैं। जब तक हम अपने ड्राइवर को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे, हम केंद्र सरकार से राज्य सरकारों से अनेक मांगे करते रहते हैं, लेकिन जब तक हम अपने परिवार के अंदर उसको महत्व नहीं देंगे, उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये हमारी भी जवाबदारी है और केंद्र सरकारों से राज्य सरकारों से जो भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हम अपने ड्राइवर के लिए दिलवा सके उसके लिए हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसके अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी पूरी तरह से लगी हुई है, अहमदाबाद के जो इनके सहयोगी हैं वो उनसे हमारी मुलाकात होती रहती है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के। तो हमारा अनुरोध क्या है कि केंद्र सरकार को जो करे वो करे, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्टर भाई भी अपने ड्राइवर को, जो कि हमारी इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर है, हमारा कोई ट्रांसपोर्ट का मालिक कहीं नहीं जाता, हमारा ड्राइवर सब जगह हमारा एम्बेसडर है, हमारा हीरो जो है वो हमारा ड्राइवर है, उसका ध्यान रखना केवल सरकार का काम नहीं, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की भी उतनी ही जवाबदारी है कि हम उसका लालन पालन अच्छी तरह से करें, ताकि वो पूरी निष्ठा के साथ हमारे ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक मालिक है उसके साथ जुड़ा रहे। बिल्कुल, विशेष अनुरोध है, इस कार्य में जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी काम कर रही है वो प्रशंसा के पात्र है। बिल्कुल, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ये काफी अच्छा कामकाज कर रही है, प्रशंसा के पात्र है, ऐसा
इस समय में ईश्वर चंद्र गोयल साहब जो कि हमारे मेहमान है आज के इस कार्यक्रम के, उन्होंने ये कहा है, प्रहलाद अग्रवाल साहब हो या नंद कुमार जी मिश्रा साहब हो, ये इनका कामकाज काफी अच्छा है। और खास बात तो ये है कि गोयल साहब आपने जिस प्रकार से ये जो सुझाव दिया है ये बहुत अच्छा सुझाव दिया है, इससे पहले भी कुछ आए थे मेहमान उन्होंने भी सुझाव दिया है, मगर अब की बार आपने जो एक पुशअप के तौर पर इसको जो काम किया है काफी अच्छा है। आपने ये कहा है कि 5 लाख का हर ड्राइवर का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना चाहिए और जो कंडक्टर है उनका 3 लाख होना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द उन ड्राइवर भाइयों का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो 5 लाख का होना चाहिए और कंडक्टर भाइयों का 3 लाख का होना चाहिए। इस दिशा में जॉइंट एक्शन कमेटी क्या काम स्टैंड लेती है ये भी एक देखने वाली बात होगी। और नॉट ओनली जॉइंट एक्शन कमेटी बट ऑल्सो और जितनी भी संस्थाएं उन्होंने ये स्टैंड लेना जरूरी है, क्योंकि ड्राइवर ये हीरो है ऐसा गोयल साहब ने कहा है और ही इज अ रियल हीरो। मैं तो उनको यहीं से सलाम करता हूँ, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, क्योंकि यदि ड्राइवर नहीं होते तो कोई भी कामकाज नहीं होता, हमारे हाथ में ये जो पेन आप दिखाई दे जो दे रहा है वो भी नहीं होता, और जो आप जो बैठे हैं ये जो मॉनिटर के सामने में जो बैठे हैं ये भी नहीं होता, क्योंकि कहने का तत्पर कि सब ट्रकों से आवागमन आना जाना इनका रहता है और ड्राइवर भाई बखूबी साथ ये काम करता है। ट्रक का मालिक कहीं नहीं जाता मगर ट्रक के ड्राइवर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर देश विदेशों में भी आते जाते रहते हैं, जिसके चलते ड्राइवर भाई अपने जान पे खेल के कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा कामकाज करने का उनका पूरा प्रयास रहता है। और इसीलिए वे हमारे देश के सीमा पे लड़ने वाले हमारे सैनिक हमारे जवान जो हमारे रियल हीरो है, और उन्हीं के साथ साथ अगर दूसरे हीरो है तो हमारे रोड पे चलने वाले वो ड्राइवर भाई वो भी हीरो से कोई कम नहीं है, बल्कि वे हमारे महाहीरो है। जाते जाते अब आखिरी के सेगमेंट में मेरे दोनों मेहमान से ये कहना चाहूंगा कि सर आपके पास दो दो मिनट का समय दिया जा रहा है, 2 मिनट में अगर आपके कुछ सुझाव सरकार के लिए है या अन्य कोई सुझाव जनता के लिए है या इस इंडस्ट्री के लोगों के लिए है तो आपके सुझाव क्या है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा हमारे मेहमान मान सिंह ठाकुर साहब के पास। ठाकुर साहब 2 मिनट का समय, क्या कहना चाहूंगे, क्या है आपके सुझाव? मेरे जी जैसे अभी आपने ड्राइवर को कहा, ये एक्चुअल में इस समय ट्रांसपोर्ट का जो ड्राइवर है ना ये भी एक कोरोना योद्धा है, जैसे बाकी के कर रहे हैं जी, डॉक्टर हो गए नर्स हो गए उनके पास में सबके पास पीपी किट बहुत सारे सबके पास है, पुलिस के सब, पर ड्राइवर के पास कोई प्रोटेक्शन किट नहीं है, कुछ नहीं है वो इसके बाद भी, और उसको आपकी जैसे और किसी की ड्यूटी लगती है तो उसका एरिया फिक्स होता है कि भाई उसको सिर्फ इसी एरिया में घूमना, और ड्राइवर को तो आप मान के चलिए उसको सब जगह जाना है, चाहे वो कंटेनमेंट एरिया हो रेड जोन हो ग्रीन जोन हो। अब मैं इस पे आपको अपने नागपुर की बात बताता हूँ, ये अप्रैल की बात है, जैसे लॉकडाउन लगा था 20 अप्रैल को अपने यहाँ पे जो कलेक्टर साहब हैं ठाकरे जी ये वाइस कलेक्टर और डीसीपी सभी की मीटिंग में उन्होंने हमको बताया, बोले आप बताइए सेटेलाइट इमेज, बोले नागपुर में इस समय टोटल 2500 गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं, आप इन गाड़ियों को हटाओ, हमारे ऊपर ऊपर से प्रेशर है कि ये जरूरी सप्लाई नहीं हो पा रही है। आप मैंने आपको कहा ना कि नागपुर ही सबका खाना दाना पानी बंद कर सकता है, बोले कुछ लोगों के पास नहीं जा पा रहा है। मैंने उस समय उनको कहा था कि सर ड्राइवर तो सारे चले गए हैं और ये चीज तो ऐसी है नहीं कि अपने आप, बोले नहीं कुछ भी करो लेकिन आप ये गाड़ी है तो आप मानेंगे नहीं, 1 हफ्ते के अंदर उस पर ये नरेंद्र मिश्रा जी पर्रा अग्रवाल जी हमारे यहाँ सर हम लोगों ने कहाँ कहाँ से ड्राइवर ला ला के और नागपुर से गाड़ियां आसपास से गाड़ियां हटवा के नागपुर के जो अपना रिंग रोड है उसके बाहर करवाई तब जाके, नहीं तो ये जितने जो हैं बड़े बड़े अधिकारी लोग इनके गले पे सबके मतलब इनकी हालत ये थी कि इनसे जवाब देते नहीं बन रहा था कि नागपुर में इतनी गाड़ियां क्यों खड़ी है, तो ड्यू टू ड्राइवर क्यों खड़ी है, हमसे पूछे भाई चलाओ तो कहाँ से चलाए जब ड्राइवर नहीं है तो चलाएगा कौन। आज के समय भी आज भी 60% से 65% गाड़ियां आज भी खड़ी है, ड्राइवर डर के मारे नहीं आ रहे। जैसे मेरा मेन काम बॉम्बे का है, आज भी बॉम्बे में कोरोना के केस इतने तेजी से बढ़ने की वजह से कोई ड्राइवर बॉम्बे जाने के लिए तैयार नहीं है एक भी, वो इवन आप ये मत सोचिए यूपी बिहार का, मेरे पास काफी ड्राइवर यहाँ के हैं लोकल बोल सकते हैं नागपुर के यहाँ के, वो भी कहते हैं कि नहीं ठाकुर साहब बोले हमको और कहीं भेज दो लेकिन बॉम्बे मत भेजो,
क्योंकि सबसे ज्यादा केस बॉम्बे में, तो उनको भी जल कर, इसके बावजूद भी वो अगर एसेंशियल सप्लाई या बाकी चीजों में लगे हुए हैं ड्राइवर तो कर रहे हैं, लेकिन वही है उनको कहीं किसी को हमको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, उल्टा हमारे ऊपर आपने कहा ना कि हमारे ऊपर सारे लागू है, कहीं गलती से भी कोई गलती हो गई तो आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कहीं कोई भी कोई इसको अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं है कि आप इतने कोरोना काल में आज देश में 5 लाख केस है फिर भी आप सेवा दे रहे हो, अत्यावश्यक सेवा दे रहे हो, कोई इसको कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर सारे नियम कानून लागू है। अप्रिसिएशन तो छोड़ दीजिए, उल्टा आपको मैंने बता दिया कि हमारे ऊपर सारे नियम कानून हमारे ऊपर लागू है, अप्रिसिएशन तो बड़े दूर की बात है। बिल्कुल, तो काफी अच्छा आपने बातचीत किया है मानसिंह ठाकुर साहब, और काफी टॉपिक के ऊपर में आपने रोशनी डाली है, और हो सकता है कि यकीनन आपके बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ इसमें बदल करना चाहेगी, ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ऊपर में जो लोड बढ़ चुका है या उन्हें अतिरिक्त जो तकलीफ दिए जा रही है अलग अलग कारणों से, हो सकता है वो नहीं मिलेंगी, यही हम ऐसा समझते हैं। ईश्वर चंद्र गोयल साहब हमारे साथ है, गोयल साहब आपको भी 2 मिनट दिया जाता है, यदि आपके कोई सुझाव सरकार के लिए, जनता के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ है तो क्या है, क्या कहना चाहोगे? संजय जी, आपके माध्यम से मेरी निवेदन है केंद्र सरकार को कि हमारे ट्रांसपोर्ट उद्योग की कमर जो तोड़े जा रहे हैं, हमारे खर्चे बढ़ाकर बार बार, कभी डीजल के रूप में, कभी टोल टैक्स के रूप में, उस बर्डन को किसी भी प्रकार से कम, रोड जब 6 लेन की जाती है तो उसका क्राइटेरिया करने का ये होता है कि हाईवे के ऊपर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, लेकिन 4 लेन से 6 लेन करने के लिए जो खर्चा है वो उसका टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, ये हमारी समझ से बाहर है। 4 लेन का ट्रैफिक 6 लेन का इसीलिए किया जा रहा है, उसके ऊपर वॉल्यूम ज्यादा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर जो उससे पास हो रहे हैं वो ज्यादा है, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ 4 लेन से 6 लेन करने में टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, ये बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार डीजल के भाव जो बार बार बढ़ाए जा रहे हैं वो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की कमर तोड़ रही है, उससे सरकार को हमारे को किसी तरह बचाना चाहिए, और इंश्योरेंस के रेट जिस प्रकार हर साल दादागिरी से IRDA के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं उनका हम सख्त रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि जो IRDA के द्वारा जो रेट बढ़ाने का तरीका है उनका बेसिक फंडामेंटल ही गलत है। उनका ऐसा मानना है कि जो हम रेट बढ़ाते हैं उसका कारण ये है कि देश के अंदर जितने एक्सीडेंट होते हैं उसका 70% एक्सीडेंट ट्रक करते हैं, ट्रकों के द्वारा होता है, जिसका उनके पास कोई आधार नहीं है, और उस आधार को लेकर हर बार हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ट्रकों का थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ा दिया जाता है, और आज की डेट में हालत ये हो गई है कि हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का आदमी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम सहन करने में असमर्थ है। किसी भी प्रकार से एक गाड़ी का इंश्योरेंस 50,000 से कम नहीं आता, जो हम बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे, और हमारे द्वारा केंद्र सरकार में, वित्त मंत्रालय में, IRDA में, हर विभाग में इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, लेकिन सरकार केवल इंश्योरेंस कंपनियों का भला सोचते हुए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जिसके द्वारा के उनको प्रीमियम मिलता है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही, ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हित में नहीं है, और हो सकता है लंबे समय में सरकार के भी हित में ना हो। तो मेरा केंद्र सरकार से, वित्त मंत्रालय से और IRDA से विशेष रूप से अनुरोध है कि हमारे ट्रकर्स की प्रॉब्लम को शांति से समझें, और समझ अच्छी तरह समझते हुए, उसकी वास्तविकता को समझते हुए, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर अनड्यू बर्डन बढ़ रहा है उसको कम करने का प्रयास करें। सच्चाई ये है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में अभी अंडर कटिंग चालू हो गया है, प्राइवेट कंपनियां थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
प्रीमियम में भी डिस्काउंट दे रही हैं। यदि कोई सरकार या आईआरडीए ये कहती हो कि ये तो केवल लॉस का बिजनेस है, वो हम सबको गुमराह कर रहे हैं और हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे इतना ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं कि हमारे लिए वो असह्य होता जा रहा है। और हर साल जो बढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। पहले ये 5 साल में एक बार बढ़ाया जाता था, लेकिन अभी हर साल जिस जो बढ़ा दिया जाता है, हम उसका आपके माध्यम से भी और सीधे रूप से भी हम केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, आईआरडीए में ये बात रखते रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी बात वो लोग सुनना नहीं चाहते। केवल इंश्योरेंस कंपनियों की ही उनको चिंता है, जिसका हम विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से उनका ध्यान दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। जो आपको 2 मिनट दिए गए हैं वो 2 मिनट में आपने वो काफी अच्छी जानकारी दी। हो सकता है कि शासन प्रशासन हो या फिर सरकार हो, ये जरूर आपकी बातों के और गौर फरमाए, ध्यान दे। और जिस प्रकार की जो कठिनाइयां आए दिन ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को जो हो रही है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जो हो रही है, वो परेशानियां नहीं होना चाहिए। क्योंकि आईआरडीए के बारे में जो आपने बात किया कि पूरी तरह से वो दादागिरी कर रहा है, उनकी दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि अगर उनकी दादागिरी चलती रही तो इसका बहुत बड़ा नुकसान इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को हो रहा है। इस ओर भी सरकार ध्यान दे और आईआरडीए द्वारा जो कामकाज जो किए जा रहे हैं, जो दबाव का एक तंत्र जो बनाया जा रहा है, वो दबाव के तंत्र को होना चाहिए, उसको कम करें। इस प्रकार की गुहार इस समय कार्यक्रम के माध्यम से हमारे ईश्वर चंद्र गोयल साहब और मानसिंह ठाकुर साहब इन्होंने कही है। और एक बात उन्होंने ये भी कही है कि इंश्योरेंस के बारे में जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है, वो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस अब सहन नहीं कर पा रही है। आखिर पहले ये लोग भरा करते थे, अब की बार क्यों नहीं भर रहे, ये भी एक चिंता का विषय है। इसकी वजह यह है कि एक्सप्लॉयटेशन जो बड़े पैमाने पे हो रहा है, उसी की मार ये लोग अब तक सहन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब की बार इन लोगों लॉकडाउन के चलते इन लोगों के कारोबार पूरी तरह से रुक चुके हैं। कोई भी ड्राइवर मुंबई नहीं जा रहा, क्योंकि मुंबई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी ड्राइवर मुंबई के अलावा कहीं भी जाने को तैयार, लेकिन मुंबई में जा नहीं रहा है। और मुंबई और नागपुर में जैसे 6 हाईवे है, वो 6 हाईवे से पूरे भारत वर्ष में हर जगह जा सकता है, लेकिन ड्राइवरों का सम्मान नहीं हो रहा है, उनकी भी तोहिन की जा रही, उनका अपमान हर जगह पे किया जाता है। इसकी बारे में भी काफी अच्छी जानकारी इन लोगों ने दी है। इस जानकारी के माध्यम से आज समय ये आया हुआ है कि हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जो रियल हीरो है ड्राइवर, उन लोगों का जीवन संवर्धन अच्छे से हो, उन्हें कोई भी उनकी तोहिन ना करे, क्योंकि वे भी लोकतंत्र में जीने वाले इस आजाद देश के आजाद नागरिक है, बशर्ते उनके साथ हर कोई अच्छा व्यवहार करे। और 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के जो ड्राइवर लोग दोपहर को 1 बजे हॉर्न बजाने वाले हैं, आप दोनों एक शब्द में कहिए, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे गोल्ड साहब? वीर चंदानी जी ने जो अभियान शुरू किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। और हमारे ड्राइवर भाई 1 तारीख को 1 बजे 1 मिनट के लिए जो हॉर्न बजाने का कार्यक्रम है, उसमें समर्थन करें और अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास करें। ये हमारे सभी अपने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के भाइयों से निवेदन भी है और मीर चंदानी जी को इसके लिए हम बधाई का पात्र मानते हैं। बिल्कुल, मानसिंह ठाकुर साहब आप क्या कहोगे? आप हॉर्न बजाने का आप ये सोचिए, अगर पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख ट्रकें कम से कम इस समय रोड पे चल रही हैं, अगर सभी ने एक साथ हॉर्न बजाया तो मुझे लगता है ये स्टेट गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी को सुनना पड़ेगा और सभी को ये समझ में आएगा कि चलिए इनकी बात भी सुना जाए। क्योंकि हमने अगर सबने मिलकर हाली बजाई थी तो जब सबने सुना था, तो हमारे ड्राइवर अगर हॉर्न बजाएंगे तो शायद तो सुनेंगे ही सुनेंगे। बिल्कुल, सब कुछ अच्छा होगा ऐसा इन दोनों मेहमानों का है। मैं फिर से एक बार आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद ईश्वर चंद्र गोयल साहब और मानसिंह ठाकुर साहब, मैं दोनों मेहमानों का फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आपने जिस प्रकार से जो जानकारी दी, काफी अच्छी जानकारी दी, काफी अच्छी आपने बातचीत किया है। अगली दर्शकों अगली बार फिर
ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इस विषय को लेके अगले मेहमानों को हम आपसे रूबरू करवाएंगे, अलग अलग टॉपिक पर उनसे हम बात करेंगे। और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इनबीसीएन, और मुझे दीजिए इजाजत, और मैं मेरे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने समय में समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में शिरकत की। नमस्कार।